कल से ही एक खबर बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा भी बॉलीवुड मोहल्ले में चर्चा हो रहा है, वो है शाहरुख खान और संजय दत्त एक ही मूवी के अंदर काम करेगा। दोस्तों पहले तो ये न्यूज़ द टेलीग्राफ पर न्यूज़ पोर्टल में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड हंगामा, koimui.com जैसी काफ़ी बॉलीवुड न्यूज़ पोर्टल ने भी खबर कवर करना शुरू कर दिया। न्यूज़ पोर्टल के थ्रू खबर ये सामने आया है कि मूवी का टाइटल होने वाले है राखी और मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं Viacom 18 मोशन पिक्चर। इससे पहले शाहरुख खान की पठान मूवी, राजीव रानी के साथ एक मूवी और अतली कुमार के साथ एक मूवी का खबर सामने आया था, लेकिन ये मूवी रिलेटेड कोई कंफर्मेशन या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। संजय लीला भंसाली के साथ एक मूवी करेगा इसके बारे में भी एक रूमर सामने आया था, लेकिन बाद में वो भी डिसमिस हो गया था। और इससे पहले संजय दत्त और शाहरुख खान की कोई एक साथ मूवी बड़े स्क्रीन पर नहीं आया था, एक ओम शांति ओम की गेस्ट अपीयरेंस में और रावण के एक छोटा सा रोल के लिए दिखाया गया था शाहरुख और संजय दत्त को। लेकिन सच में अगर दोस्तों ये मूवी बनाया जाएगा तो ज़रूर बॉलीवुड के लिए एक बड़ा न्यूज़ है। पठान लेके तो शाहरुख काफ़ी बिजी है, शायद पाइपलाइन में उसका भी 2-3 मूवी और भी है, सब कुछ कंप्लीट करके ये मूवी में हाथ लगाएगा। संजय दत्त के हाथ में भी अभी पूछ द प्राइड ऑफ इंडिया जो एक बड़े बजट का मूवी है, और उसके बाद KGF 2 भी आएगा जहाँ पे अधीरा का कैरेक्टर लोग देखने के लिए वेट कर रहा है। अब दोस्तों ये देखना बाकी है कि कब तक ये मूवी फ्लोर पे आए एंड सच में ये मूवी होने वाले या रूमर्स है। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आएगा तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस चैनल के साथ बने रहना, देखते रहना फिल्मी गाइस। टेक केयर, बाय बाय।